guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important question of forensic medicine and toxicology जो कि 10 marks में कई बार examination में पूछा जाता है and that is Alger Mortis. ठीक है, Alger Mortis term यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है दैट इज कूलिंग ऑफ द बॉडी या फिर कूलिंग ऑफ द डेड बॉडी. सो बेसिकली आफ्टर द डेथ व्हेन द बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन गेट्स कूल्ड डाउन दैट इज नोन एज Alger Mortis. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने FMT के और भी बहुत सारे एग्जाम बेस्ड टॉपिक जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मेडिक्योर बड़ी पे अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज 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 उसे एक बार जरूर विजिट करिएगा इफ योर एग्जामिनेशंस आर नियर बाय, बिकॉज वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन. तो यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट Alger Mortis, जिसको हम कूलनेस भी कहते हैं या फिर चिल ऑफ डेथ, इज कूलिंग ऑफ द बॉडी दैट नॉर्मली टेक्स प्लेस आफ्टर डेथ व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इक्विलिब्रेट्स विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर. ठीक है, तो ऐसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज कॉन्स्टेंट, बट व्हेन आफ्टर द डेथ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी स्टॉप एंड जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है, सो वी कॉल दैट Alger Mortis. ठीक है, Alger Mortis इज यूजुअली द फर्स्ट साइन ऑफ डेथ बियॉन्ड द ऑब्वियस देन फॉलोड बाई Rigor Mortis. ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है, दो टर्म है Alger Mortis और Rigor Mortis. द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग ऑन Rigor Mortis बिकॉज वो भी एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है. ठीक है, तो Alger Mortis जो है ये ए अल्फाबेट से शुरू है, तो आप इसे याद रख सकते हो, ए पहले आता है, तो दिस इज द साइन ऑफ डेथ जो कि पहले हमें मिलता है Rigor Mortis से. ठीक है, तो आर बाद में आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में, तो आप ऐसे याद रखोगे. ठीक है, समटाइम्स आफ्टर डेथ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द कैडेवर फॉल्स एंड आफ्टर सम टाइम्स इट टेंड्स टू बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट. तो वही जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो कूलिंग होती है, वो कब तक होती है, जब तक जो टेम्परेचर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के बराबर नहीं हो जाता. ठीक है, द फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कैडेवर अकर्स ड्यू टू द सेसेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम हो जाते हैं या फिर जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर है, जो भी थर्मो रेगुलेटर्स हैं बॉडी के, वो जब कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो बॉडी है उसके टेम्परेचर में फॉल देखने को मिलता है. ठीक है, लॉस ऑफ बॉडी हीट अकर्स बाय कंडक्शन रेडिएशन एंड इवेपोरेशन व्हेन द बॉडी इज एट एटमोस्फेरिक एनवायरमेंट. ठीक है, तो बॉडी में जो लॉस ऑफ हीट है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, जो कि कंडक्शन कन्वेक्शन है या फिर इवेपोरेशन है, इसके थ्रू चेंज हो जाता है. ठीक है, कूलिंग पैटर्न का जो कर्व है ये आप PG के एग्जामिनेशन के लिए भी याद रखोगे दैट ये बाय एक्सपोनेंशियल या फिर एस शेप्ड कर्व या फिर इन्वर्टेड एस शेप कर्व जो है ये हमें मिलता है. ठीक है, अब हम देखें तो इनिशियल प्लेटू जो होता है वो आइसोथर्मल फेज को बताता है. ठीक है, उसके बाद जो कांस्टेंट हो जाता है वो इंटरमीडिएट फेज का बताता है एंड फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ द कर्व इज स्लाइटली अबव द बेस लाइन विच इंडिकेट्स द बैक्टीरियल एक्टिविटी. तो आपको याद रखना है दैट उस कर्व का जो टर्मिनल फेज है वो हमें बैक्टीरियल एक्टिविटी को बताता है. ठीक है, देखिए ये कर्व जो यहाँ पे मेंशन किया गया है इसी की बात हो रही है. दिस इज द इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व जिसको हम सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं. दिस इज द कर्व दे आर टॉकिंग अबाउट एंड यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला सेक्शन था ये कांस्टेंट वाला था एंड फाइनली दिस इज द पार्ट जो कि बैक्टीरियल एक्टिविटी या फिर डिकम्पोजिशन को बताता है. ठीक है, आगे क्या लिखा है, साइट्स टू रिकॉर्ड इनर कोर टेम्परेचर. जो डेड बॉडी होती है उसमें ज्यादातर टेम्परेचर जो है वो रेक्टल टेम्परेचर, जो रेक्टम होता है उसके टेम्परेचर को मेजर किया जाता है. ठीक है, सो ये वो एरियाज है जहां से टेम्परेचर ज्यादातर लिया जाता है. ठीक है, नाउ यहाँ पे मेथड्स
मेंशन किए गए हैं फॉर टेम्परेचर विच इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर एक चीज बहुत इम्पॉर्टेंट मेंशन की गई है दैट द एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज 0.4 टू 0.7 डिग्री सेल्सियस पर आर. ठीक है, और बॉडी जो है वो पूरी तरीके से एनवायरमेंटल लेवल पे ठंडी हो जाती है 16 से 20 आवर्स में आफ्टर डेथ. ठीक है, ये सारे वैल्यूज आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखने होंगे अगर आप इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिखोगे. सो दैट इज गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव इम्प्रेशन रिगार्डिंग योर आंसर. ठीक है, आगे क्या लिखा है, इट इज अज्यूम्ड दैट द बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ द डेथ वॉज नॉर्मल. ठीक है, जो कि वेरी करता है 35.7 से 37.7 डिग्री सेल्सियस का. ये ओरली है और रेक्टल का ये टेम्परेचर है जो कि मेल्स के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, टाइम सिंस डेथ को कंपेयर करने का या फिर फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला यहाँ मेंशन किया गया है, दैट इज नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर माइनस मेजर्ड रेक्टल टेम्परेचर फिर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आर, जो कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया गया है. ठीक है, तो इसे डिवाइड करते हो तो आपको पता चल जाएगा TSD दैट इज टाइम सिंस डेथ. ये एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में, तो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर इज हायर इन केस ऑफ स्ट्रगल और एक्सरसाइज प्रायर टू डेथ. तो अगर कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है लेकिन उसने डेथ से पहले बहुत सारी एक्सरसाइज की थी तो उसका टेम्परेचर रेक्टल टेम्परेचर ज्यादा आता है. ठीक है, और ज्यादातर लो टेम्परेचर जो है वो कार्डियक फेलियर के केस में या फिर हीमरेज में कोलैप्स में बेसिकली किसी भी तरीके से अगर शॉक की वजह से डेथ होती है तो उसमें देखने को मिलता है. ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग एल्गर मोर्टिस की बॉडी जो ठंडी हो रही है आफ्टर द डेथ उसको क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है एनवायरमेंटल टेम्परेचर, क्योंकि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस पे ही डिपेंड करेगा. ठीक है, एयर मूवमेंट, बॉडी के ऊपर से जितनी एयर मूव कर रही है उसके सरफेस पे उतना जल्दी वो कूल डाउन होगा. ह्यूमिडिटी ट्रांसफर ऑफ हीट को रेगुलेट करने में हमारी मदद करती है. ठीक है, अगर कोई मीडिया है डिस्पोजल का तो वो चीज अर्लीएस्ट होती है कूलिंग सबसे ज्यादा वाटर में और लेट होती है बरीड बॉडी में. ठीक है, बिल्ट ऑफ कैडेवर पे डिपेंड करती है कि जो ओबीस लोग होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फैट है तो उनकी बॉडी स्लोली कूल डाउन करती है. ठीक है, क्योंकि सिंस फैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, एज और सेक्स पे भी डिपेंड करता है ये चीज कि फीमेल की जो बॉडी है वो हीट ज्यादातर ज्यादा टाइम के लिए अपने अंदर रख सकती है. ठीक है, क्लोथिंग पे डिपेंड करता है कि पर्सन ने क्या पहना हुआ है. पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पोस्चर ऑफ बॉडी, अगर पर्सन ऐसी पोजीशन में लाई कर रहा है जिससे बॉडी का सारा सरफेस एरिया जो है वो एक्सपोज्ड है तो ऑब्वियसली इसकी बॉडी ज्यादा जल्दी ठंडी होगी. ठीक है, मोड ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो अगर हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसकी डेथ बॉडी जो है वो स्लोली कूल करती है, लेकिन अगर कोई पर्सन है जो बहुत लंबी बीमारी से सफर कर रहा होता है तो आपने देखा होगा कि कई पेशेंट होते हैं जैसे बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ठंडी हो गई रहती है डेथ से पहले ही, तो आफ्टर द डेथ उनकी बॉडी में जो एल्गर मोर्टिस की कंडीशन है वो और ज्यादा जल्दी आ जाती है. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड एल्गर मोर्टिस. आई होप आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत काम आएगा आपके, बिकॉज ये 20 मार्क्स में कई बार पूछा गया है. सो फ्रेंड्स दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन. अगर आप चाहते हो कि आप अपकमिंग अपडेट्स जो कि मैं टुमारो रिगर मोर्टिस को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो लगाने वाली हूँ जो कि एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट में कई बार पूछा जाता है, तो प्लीज 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 मेरी क्योर बॉडी को सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.